किन्नरिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे कॉर्न पनीर करी। तो आइए देखते हैं किस तरह से हम कॉर्न पनीर करी बनाते हैं। सबसे पहले कुकर के अंदर 2 कप पानी डालकर 1 बर्तन के अंदर मकाई के दानों को नमक डालकर रखेंगे। नमक डालकर मकाई के दानों को मिला लेंगे। मकाई के दानों के अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर लेंगे और 1 या 2 व्हिसल लगाएंगे। यहाँ हमने अमेरिकन मकाई ली है जिसके दाने काफी नरम रहते हैं। मकाई के दाने नरम होने की वजह से 1 व्हिसल में भी अच्छे से उबल जाएंगे। यहाँ हमने 2 व्हिसल लगाई है और कुकर को अच्छे से ठंडा होने दिया है। आप चाहे तो खुले पानी में भी मकाई के दानों को उबाल सकते हो। कुकर एकदम ठंडा हो जाए उसके बाद हम मकाई के दानों को बाहर निकालेंगे। मकाई के दानों को जाली वाले बर्तन के ऊपर डालकर उसमें रहा सारा पानी निकाल लेंगे। मकाई के दानों को साइड में रख लेंगे। अब हम कॉर्न पनीर करी बनाने के लिए 1 कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तेल गरम होते ही जीरा चटकाएंगे, तमालपत्र डालेंगे और हींग डालकर मिला लेंगे। बारीक कटी हुई प्याज डालकर पकाएंगे। 2-3 मिनट पकाने के बाद प्याज काफी ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। 1-2 मिनट और पकाएंगे जिससे प्याज अच्छे से गुलाबी हो जाएंगे। आप देख सकते हो प्याज भूनकर गुलाबी हो गए हैं। प्याज में से सारा कच्चापन निकल गया है। प्याज को अच्छे से भूनने से सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है। हरी मिर्च की पेस्ट और अदरक और लहसुन की पेस्ट डालकर मिला लेंगे। प्याज के साथ लहसुन और अदरक के भूनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मसालों में प्याज पककर ब्राउन हो गए हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। हल्दी, धनिया जीरा पाउडर और काली मिर्च डालकर मिला लेंगे। बारीक कटे हुए टमाटर डालकर मिलाएंगे। टमाटर को प्याज के साथ मिला लेंगे और नरम होने तक पकाएंगे। टमाटर काफी नरम हो गए हैं। टमाटर ढक कर थोड़ी देर तक तेल छूटने तक पकाएंगे। ढक्कन खोलकर देखेंगे कि टमाटर अच्छे से गल गए हैं और तेल भी छूट रहा है। अब हम सब्जी का कलर अच्छा आए इसलिए काश्मीरी लाल मिर्च डालकर मिला लेंगे। किचन किंग मसाला और काजू और मगजतरी के बीज की पेस्ट डालेंगे। काजू और मगजतरी के बीज की पेस्ट बनाने के लिए मैंने 2 टेबलस्पून मगजतरी के बीज और लगभग 15 से 20 काजू को आधे घंटे पानी के अंदर भिगोकर उसकी पेस्ट बना ली है। व्हाइट पेस्ट को सब्जी के अंदर मिला लेंगे। व्हाइट पेस्ट को सब्जी के अंदर मिलाने से सब्जी का कलर काफी बदल गया है। व्हाइट पेस्ट को सब्जी के अंदर तेल छूटने तक पकाएंगे। व्हाइट पेस्ट को अच्छे से पकाने से उसका कच्चापन निकल जाएगा। आप देख सकते हो सब्जी के अंदर व्हाइट पेस्ट अच्छे से पक गई है और तेल भी छूट रहा है। अब हम व्हाइट पेस्ट वाले बाउल के अंदर 1/2 कप पानी डालकर पानी को सब्जी के अंदर मिला लेंगे। बाउल में बच गई सारी पेस्ट को हमने पानी के साथ मिला लिया है। पानी को सब्जी के अंदर मिला लेंगे और ढक कर थोड़ी देर तक पकने देंगे। थोड़ी देर पकने के बाद ढक्कन खोलकर मकई के दाने डालेंगे।
मुट्ठी भर दाने हम सब्जी को सजाने के लिए साइड में रख लेंगे। मकई के दानों को सब्जी के अंदर मिला लेंगे। घर के दूध की फ्रीज की हुई मलाई डालेंगे। गरम सब्जी के अंदर मिलाने से फ्रीज की हुई मलाई थोड़ी देर के बाद पिघल जाएगी। टमाटर की खटाई को बैलेंस करने के लिए थोड़ी शक्कर डालेंगे। ग्रेट किया हुआ चीज डालेंगे। ग्रेट किया हुआ चीज डालने से सब्जी काफी रिच बनती है। चीज को सब्जी के अंदर मिला लेंगे। सब्जी को ढक कर एक आध मिनट पकने के बाद कसूरी मेथी का पाउडर डालेंगे। अंत में ग्रेट किया हुआ पनीर सब्जी के अंदर डालकर मिला लेंगे। कसूरी मेथी के पाउडर को सब्जी के अंदर मिला लेंगे। कॉर्न पनीर करी की स्वादिष्ट और चटकेदार सब्जी बनकर तैयार है। गैस का स्विच बंद कर लेंगे। गरम गरम सब्जी को रोटी या चपाती के साथ पिरोसे। सब्जी को कांच के बाउल के अंदर गरम गरम ही सर्व करेंगे। कॉर्न पनीर करी को मकई के दाने और ग्रेट किए हुए पनीर से सजाएंगे। आशा है कॉर्न पनीर करी की मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। ऐसी और नई रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।